क्योंकि जिस तरीके से अबो 200 यूनिट के ऊपर जो प्राइस बढ़ाया गया है, ये इतना बर्डन है कि लोग या तो पावर यूज़ करेंगे या टोटली बंद कर देंगे। भाई एक भेड़िए को हटा दिए, बकरी अपने आप को बचाने के लिए दूसरा भेड़िया आके बैठा, ऐसा ना हो कि भाई ऐसा ना कहा जाए कि हर 5 साल में बकरियों को मौका दिया जाता है कि इस बार कौन सा भेड़िया उनको खाएगा। या तो हम पावर यूज़ करें या ना करें, पावर फ्री देने का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहेगा इसमें। अभी गवर्नमेंट का कहना ये है कि इट वॉज डिसाइडेड बाई प्रीवियस गवर्नमेंट, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट जो थी वो डिसाइड करी थी, हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। आज गुलबर्गा जेस्कॉम ऑफिस पर कर्नाटक किसान सभा, कर्नाटक प्रांत राइत संघ का जो है एक प्रोटेस्ट था, एक एहतजाज रखा गया था। ये जो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जिस तरीके से कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी पावर का जो बिल जो ऑलमोस्ट डबल आ रहा है सबको, जिस तरीके से ऑल ऑफ ए सडन प्राइस हाइक किया गया है, अभी गवर्नमेंट का कहना ये है कि इट वॉज डिसाइडेड बाई प्रीवियस गवर्नमेंट, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट जो थी वो डिसाइड करी थी, हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये बड़ी ताजुब की बात है कि भाई ये हमारा जो कल्याण कर्नाटक का रीजन है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इंडस्ट्रीज को यहाँ पे सब्सिडाइज पावर सप्लाई मिलना चाहिए, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस को सब्सिडाइज पावर सप्लाई मिलना चाहिए। यहाँ पे जिस तरीके से पावर हाइक किया गया है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए काइंड ऑफ डिसीजन टू क्लोज द MSME इन नॉर्थ कल्याण कर्नाटक रीजन। जो हमारे इंडस्ट्रीज चलते हैं, MSME सेक्टर है या कॉमर्शियल सेटअप, जो मिनिमल प्रॉफिट पे चल रहे थे, अब वो लॉसेस पे आएंगे, वो लोग बंद करेंगे। तो अभी ये है कि जिस तरीके से सिद्धरामैया साहब का स्टेटमेंट आया है पावर हाई प्राइस हाइक के ऊपर कि वी कांट डू एनीथिंग, इट वॉज डिसाइडेड बाई रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये बोलना ये है सिद्धरामैया साहब का कि गवर्नमेंट हमारे हाथ में नहीं है, हम अथॉरिटी के अंडर में है, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में कुछ नहीं है बोलना। सिद्धरामैया साहब शायद ये बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं है, जो गवर्नमेंट चलाते हैं या रेगुलेटरी अथॉरिटीज चलाते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है। इस तरीके से एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट कहूँगा मैं, लेकिन वी आर स्टिल हेल्पफुल कि जिस तरीके से अभी जिस हालत हुई है, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से कोविड के बाद से अब किस तरीके से कुछ इंडस्ट्रीज अभी से अपने आप को रिवाइव करके कुछ तरीके से सेट होने के तरफ जा रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन ये पावर हाइक जो है MSME को शट डाउन करने के तरफ जाएगा। ऑलरेडी हम कोविड में देख चुके हैं कर्नाटका में अबाउट 20-25% MSME इंडस्ट्रीज बंद हो चुके हैं। अभी ये नए पावर हाइक से फिर अनदर 20-25% बंद होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि डायरेक्टली इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अभी ये जो पावर सप्लाई बढ़े, कमोडिटीज़ को बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अभी ये ले लीजिए कि भाई आपके एरिया में एक आटा चक्की है, फ्लोर मिल है, अगर वो अभी तक 5 रुपीज़ kg आपको ग्राइंड करके दे रहा था, आटा बना के दे रहा था, तो अभी वो पर केजी 1 रुपया बढ़ा देगा, वो 1 रुपया किसको महंगा पड़ेगा, कस्टमर को महंगा पड़ेगा, यानी कि ये मार सीधा आके जनता को पड़ेगी। तो हमारा ये कहना है कि ऐसी हालत ना करें कि भाई पब्लिक ये ना कहे कि फिर गवर्नमेंट का हिसाब कुछ ऐसा हो गया है, गवर्नमेंट और जनता का, दो भेड़िए और बकरी का किस्सा बताना पड़ेगा। भाई एक भेड़िए को हटा दिए, बकरी अपने आप को बचाने के लिए दूसरा भेड़िया आके बैठा, ऐसा ना हो कि भाई ऐसा ना कहा जाए कि हर 5 साल में बकरियों को मौका दिया जाता है कि इस बार कौन सा भेड़िया उनको खाएगा। ये तरीके का जुल्म ना करे गवर्नमेंट। ये जिस तरीके से प्राइस राइज किया गया है, ये जनता के ऊपर इस तरीके के मार है कि या तो हम पावर यूज़ करें या ना करें, पावर फ्री देने का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहेगा इसमें। क्योंकि जिस तरीके से अबो 200 यूनिट के ऊपर जो प्राइस बढ़ाया गया है, ये इतना बर्डन है कि लोग या तो पावर यूज़ करेंगे या टोटली बंद कर देंगे यूज़ करना। तो हमारा कर्नाटक प्रांत रहित संघ से हमारा यही अपील है गवर्नमेंट से कि ये आने वाले अधिवेशन में जो अभी स्टार्ट होगा, ये जो पावर राइज किया गया, पावर प्राइस राइज हाई किया गया है, इसको फौरन कम करें, यानी तो मजबूर हैं फिर रोडों पे उतरने के लिए, एहतजाज करने के लिए, चक्का जाम बंद करना, इस तरीके से हम फिर नहीं करना चाह रहे हैं। सो इट इज़ बेटर कि गवर्नमेंट अपील सुने, किसानों का, कारोबारियों का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अपील सुनते हुए ये रिवाइज करे और पुराने चार्जेस को वापस कंटिन्यू करे। थैंक यू। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा।